हेलो स्टूडेंट्स, हम आज ये वाला जो हमारा वीडियो है इसमें हम सीखेंगे जो हमारा फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, मतलब जो हमारे डेसिमल पॉइंट या बाइनरी पॉइंट वाले जो नंबर होते हैं उसका कन्वर्जन हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं, पहला कन्वर्जन जो हमको देखना है वो है बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, अगर कोई बाइनरी फ्रैक्शनल नंबर है तो हम उसको डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, सपोज यहाँ पे ये हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये हमारा बाइनरी पॉइंट है। ठीक है, तो हमने देखा था कि इस नॉर्मल जो बाइनरी नंबर है विदाउट फ्रैक्शन, एक इंटीजर बाइनरी नंबर को हम कैसे कन्वर्ट करते थे। अगर इसको हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल में तो हमें क्या करना होगा, इसको बेस से इंटू करना होगा और प्लेस वैल्यू लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 0 का प्लेस वैल्यू है 0, है ना, ये वंस प्लेस पे है ना, और ये हमारा टेंस प्लेस पे है। ठीक है, तो 2 to the power 1, तो इसका आंसर हमारा क्या आया, एनीथिंग इंटू 0 इज 0, 2 to the power 1 क्या होता है 1, 0 into 1 is 0 और 1 into 2 is 2, तो ये किसका कोड निकल के आया, ये हमारा डेसिमल नंबर है 2 और ये हमारा बाइनरी में 10 था। ठीक है, तो इसका हमने इस तरीके से हमने निकाला था इसका, लेकिन अब हम इसका डेसिमल इक्वलेंट डेसिमल कैसे निकालेंगे। इस साइड जब हम जाते हैं तो ये क्या है, वंस प्लेस है और ये टेंस प्लेस है, लेकिन जब हम पॉइंट के बाद जाते हैं, जब हम पॉइंट के आगे जा रहे हैं, तो हम जो प्लेस वैल्यू की बात कर रहे हैं वो हमारा प्लेस वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है, -1 से, तो ये -1 प्लेस पे -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, ये तो हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, 1 into 2 प्लस 0 into 2, 2 to the power 0, 2 to the power 1। ठीक है, बट इन नंबर को करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब हम क्या करेंगे, 1 into 2 to the power -1। ठीक है, 1 into 2 to the power -1 प्लस 0 into 2 to the power -2 प्लस 1 into 2 to the power -3। ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू के साथ हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम उसके बेस से मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, तो जब हम फ्रैक्शन वाले नंबर लेंगे तो हम इसका प्लेस वैल्यू लिखते जाएंगे जो कि -1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला, आंसर यहाँ पे 2 मिला। ठीक है, तो ये हमारा 2 का कोड है, और पॉइंट के बाद हम इसको देख लेते हैं। पॉइंट के बाद जो नंबर है वो हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2 into 0.5 प्लस 0 into 2 to the power -2 is 0। ठीक है, 0 में किसी चीज का भी इंटू करते तो हमें 0 ही मिलता है। ठीक है, और 2 to the power -3 is 0.125 प्लस 0.0625। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व किया। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिला, 2.6875। ठीक है, 2.6875। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे प्लस नहीं है, सॉरी, यहाँ ये प्लस मैंने गलती से लगा दी, यहाँ पे प्लस नहीं है, इसको आप अलग सॉल्व करोगे और इसको आप अलग सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व करोगे तो हमें 2 का कोड मिला, और इसके बाद हमें यहाँ से हमें क्या आउटपुट मिला, यहाँ से हमें मिला 6875। ठीक है, तो हमने इसको कंबाइन किया, तो कंबाइन करने के बाद हमारा आंसर क्या है, 2.6875। ठीक है, तो इसको हम अलग कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट कन्वर्जन हम देखते हैं, नेक्स्ट कन्वर्जन हम देखते हैं डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, अगर हमारा कोई डेसिमल नंबर है पॉइंट में, उसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। ठीक है, सपोज ये
एग्जाम्पल मैंने लिया है, तो थ्री को हम वैसे ही कन्वर्ट करेंगे जैसे हम कन्वर्ट कर रहे थे, है ना, नॉर्मली, ठीक है, टू से डिवाइड करके, ठीक है। अगर आपने पहले ये आपको नहीं बनता है तो आप पहले की वीडियोस देख लेना कि हमने डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया था, ठीक है। टू से डिवाइड करेंगे और हम रिमाइंडर देखते जाएंगे, ठीक है। टू वंस आर टू, रिमाइंडर बचा वन, और ये वन हमारा यहाँ आ गया, तो थ्री का कोड हुआ 1 1, ठीक है। इस तरीके से हमने किया था, ठीक है। अब इस नंबर को हम अलग से क्या करेंगे, अलग से लेंगे, तो ये हमारा नंबर है 0.14579। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, टू से इंटू करना पड़ेगा, टू टू नाइन जा 18, कैरी 1, टू सेवन जा 14, 14 प्लस 1 15, ठीक है, 1, 2 फाइव जा 10 प्लस 1 11, 11 आया, 2 फोर जा 8 प्लस 1 9, 2 वन जा 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 0, ठीक है। तो और ये हम ये जो पॉइंट के पहले नंबर आ रहे हैं इनका हम ट्रैक करेंगे, ठीक है, कि हमें पॉइंट के इस साइड क्या कैरी मिल रहा है, ठीक है, या 0 आएगा या 1 आएगा, है ना। तो हम उसको ट्रैक करते जाएंगे, तो वो हमारा कन्वर्जन होगा यहाँ पे। 2 8s are 16, 2 5s are 10 प्लस 1 11, ठीक है, 2 1s are 2, 2 1s are 2 प्लस 1 3, ठीक है, 2 9s are 8, 18, सॉरी, ठीक है, 2 9s are 18 एंड 2 2s are 4 प्लस 1 5, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें 0 मिला, यहाँ कुछ नहीं आया। फिर हम फिर से इसको 2 से इंटू करेंगे, और ये हम एंडलेसली करते जा सकते हैं, ठीक है। बट हमको यहाँ पे देखिए, हमारे पास पॉइंट के बाद 5 डिजिट दिए गए, तो एटलीस्ट 5 6 डिजिट तक आप इसको करके आंसर निकालें, ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। 2 6 are 18, 2 6 are 12, 2 9 2 6 12, carry 1, 2 1s are 2 plus 1 3, 2 3s are 6, 2 8s are 16, carry 1, 2 5s are 10 plus 1 11, ठीक है। अब ये 1 जो है हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। फिर से हम 2 से इंटू करते हैं। अब हम ये पॉइंट के पहले जो 1 है इसमें इंटू नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट के पहले जो 0 है हम उसमें इंटू नहीं कर रहे हैं, हमारा जो मल्टीप्लिकेशन वो सिर्फ यहाँ तक रहेगा, ठीक है। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 6 are 12, 2 6 are 12 प्लस 1 13, 2 1s are 2 प्लस 1 3, तो यहाँ पे हमारा 0 बचा, ठीक है। तो इस तरीके से दिस प्रोसेस में गो ऑन, ठीक है, हम इसको आगे तक ले जा सकते हैं, और ये जो हमें मिल रहा है ये हमारा रिक्वायर्ड कन्वर्जन है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 0 0 1 0, ठीक है, हम यहाँ से यहाँ लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब हम इंटीजर को कन्वर्ट करते हैं तो हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम पॉइंट के बाद वाला वैल्यू है जो हम इंटू करके लेके आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसका कोई लास्ट नहीं है, ठीक है, आप जब इंटू करते जाओगे 2 से तो आपको कुछ नए नंबर्स मिलते जाएंगे, ठीक है। तो हम ऊपर से नीचे की तरफ से इसको लिखते हैं। तो ये था हमारा फ्रैक्शनल नंबर का कन्वर्जन हम कैसे करते हैं। थैंक यू।